गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन थर्ड, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। आई हैव डन द एक्सरसाइज एंड रिमेनिंग पार्ट इज टुडे क्वेश्चन आंसर। देर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए डिजर्ट? व्हाट इज ए डिजर्ट? व्हाट इज ए डिजर्ट? रेगिस्तान। रेगिस्तान किसे कहते हैं? आंसर, डिजर्ट इज एन एरिया विच रिसीव्स वेरी लिटिल रेन। वो एरिया जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इट हैज स्कैर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांटेशंस एंड हिल्स ऑफ सैंड। उस एरिया में एनिमल्स एंड प्लांटेशन की स्कैर्सिटी होती है, कमी भी रहती है, बहुत कम रहते हैं। एंड हिल्स ऑफ द सैंड, और सैंड के हिल्स भी, पहाड़ भी नहीं रहते। दैट इज अ कॉल्ड डिजर्ट। उस एरिया को डिजर्ट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एन ओसिस? ओसिस क्या, किसे कहते हैं? एट सम प्लेस वी हैव वाटर, ट्रीज एंड ग्रासेस इन डिजर्ट। उसी डिजर्ट में कुछ जगह पे वाटर, ट्रीज और ग्रास भी मिलते हैं। वाटर, ट्रीज एंड ग्रास डिजर्ट में। दिस प्लेस इज ए कॉल्ड ओसिस। उस जगह को, उस प्लेस को ओसिस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट लाई? ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहाँ पड़ता है? द ग्रेट इंडियन डिजर्ट lies to west of the northern plains. Northern plains में, उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान के west में the great Indian desert पड़ता है। Fourth question, what is a sand dunes? Sand dune किसे कहते हैं? Why does it keep moving? और क्यों यह चलता रहता है, हिलता रहता है, मूविंग करता रहता है? दिस स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। छोटे से जो सैंडों का हिल होता है, पहाड़ होता है, उसे सैंड ड्यून कहते हैं। दे डोंट स्टे एट वन प्लेस, और वह एक जगह स्थिर नहीं रहता। दे कीप ऑन मूविंग विद द फास्ट विंड, और वह तेज हवाओं के साथ वो भी हिलता रहता है, घूमता रहता है। कॉल दी सैंड स्टॉर्म, और उसको सैंड स्टॉर्म भी कहते हैं, जो तेजी तेज हवाओं के साथ बहता है, चलता रहता है, उसको हम सैंड स्टॉर्म भी कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ द क्लाइमेट इज फाउंड इन द राजस्थान? राजस्थान में कैसा क्लाइमेट रहता है, कैसा वातावरण रहता है? राजस्थान, इन राजस्थान द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम। क्लाइमेट वहाँ का बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत तेज होता है। द डे आर वेरी हॉट, दिन जो होता है बहुत हॉट होता है। एंड नाइट आर वेरी कोल्ड, और रात जो होती है बहुत ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच कैनल सप्लाई वाटर टू राजस्थान? राजस्थान को कौन सा कैनल, कौन सा नहर पानी का सप्लाई करता है? इंदिरा गांधी कैनल सप्लाई वाटर टू राजस्थान। राजस्थान को पानी का सप्लाई इंदिरा गांधी कैनल करता है। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई इज ए कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट? कैमल को
डिजर्ट का जहाज क्यों कहते हैं? रेगिस्तान का डिजर्ट का जहाज क्यों कहते हैं? वह जहाज आंसर ए कैमल कैन ट्रेवल ऑन सैंड विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। बहुत दिनों तक कैमल बिना पानी बिना भोजन का सैंड पे बालुओं पे भी चल सकता है, यात्रा कर सकता है। एंड इट कैन वॉक ओवर द सैंड इजली बाय इट्स पैडेड फीट। और वह अपने गद्दार पैरों से उस सैंड पे बहुत आसानी से वॉक कर सकता है, चल सकता है। सो इट इज़ अ कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, इसीलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। कैमल के अलावा कोई भी दूसरा एनिमल नहीं है जो इतनी इजली इतनी आसानी विदाउट फूड एंड वाटर लिए हुए मैनी डेज रह सकता है, चल सकता है, काम कर सकता है। लेकिन कैमल एक ऐसा एनिमल है जो विदाउट फूड एंड वाटर एंड फॉर मैनी डेज चल सकता है, काम कर सकता है, यात्रा कर सकता है। सो इट इज़ अ कॉल्ड डिजर्ट ऑफ और शिप ऑफ द डिजर्ट। एट क्वेश्चन, नेम द सम ट्राइब्स ऑफ द राजस्थान। राजस्थान के कुछ जनजातियों के नेम बताना है। जनजाति नेम सम ट्राइब्स ऑफ द राजस्थान आर मीरा, भील, लोहार, गाडिया, डैमोर्स, बंजारा, कैथोडी, इटीसी। नाउ इन दिस वे दिस लेसन्स आर टोटली फिनिश्ड। यू आर एडवाइज टू राइट 3 लेसन्स कंप्लीट एंड लर्न इट एट अ होमवर्क डेली रेगुलरली। डोंट मिस द लर्निंग एंड रिवाइज द लेसन्स। एंड नेक्स्ट वीडियो यू विल सी ऑन द नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।